नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अन्य दलों से बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता भारी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जेजेपी में उच्च पदों पर रह रहे अशोक शेरवाल का एक बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। आज लगातार इस सिलसिले में जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, अन्य दलों से बड़े बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न प्रमुख कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो छोटा कार्यकर्ता भी है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, ऐसे भारी संख्या के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अशोक शेरवाल जी, पूसम शेरवाल जी और हमारे हरपाल कंबोज जी, सरदार हरपाल सिंह कंबोज जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और वो जजपा में उच्च पदों के ऊपर रहे हैं। अशोक शेरवाल जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और वो अब राष्ट्रीय सचिव जजपा के पद के ऊपर काम कर रहे थे। कुसुम शेरवाल जी भी कई विभिन्न पदों के ऊपर जजपा में काम कर रही थी और हरपाल कंबोज जी जो जजपा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं। ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं सबका स्वागत किया है। नरेंद्र मोदी जी को सब लोग आज प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो उनकी नीति है, वो देश को, गरीब की चिंता करने वाली, देश को आगे बढ़ाने वाली सोच है और उसी सोच को लोग उसके अंदर शामिल होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आज देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं। जो उन्होंने गरीब के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने किसान के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने युवाओं को एक विश्वास उनका जो बढ़ाया है उनके लिए नीतियां चलाई हैं, महिलाओं को सशक्त करने की जो विभिन्न योजनाएं चला करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है, आज हर वर्ग, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे युवा है और चाहे गरीब है, ऐसे सब लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और लोगों ने ये प्रण भी कर लिया है कि ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में ही हम सुरक्षित और आगे बढ़ सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम देश के लोग कर रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर अशोक शेरवाल जी और कुसुम शेरवाल जी, सरदार हरपाल सिंह जी कंबोज, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। तो वहीं गुरुग्राम लोकसभा में प्रत्याशी रविंदरजीत सिंह ने अपना नामांकन भर दिया है। इसके बाद उन्होंने रेवाड़ी के गांव बुटपुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उनका जनसभा में उन्हें लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रविंदरजीत सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में हो रही देरी पर सवाल करते हुए कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस संकट में है, वरना अभी तक प्रत्याशी तय हो जाते। सरपंच लाख
नहीं, ये आज की पहली नहीं दूसरी जनसभा है। इससे पहले सहनवास और लादुवास गांव की जनसभा थी, उस जनसभा में भी अगर आप देखोगे तो बड़ा जोश और उत्साह था। और मेरा ये मानना है कि राव साहब जहां कहीं भी जा रहे हैं, चाहे कल नामांकन दाखिल किया, चाहे आज यहां बूढ़पुर गांव में आए हैं, जहां कहीं भी जा रहे हैं, बहुत भारी लोगों में उत्साह है। और वो उत्साह इसलिए है कि इन्होंने पूरा जीवन अपनी ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से इस इलाके की सेवा की है। इस सेवा का कर्ज जो है वो जनता की बार इनको 90% वोट देकर यहाँ से कम 8-10 लाख वोटों से जिताकर इनका कर्ज पूरा करें। किस प्रकार का सहयोग समर्थन और जो आप तो यहाँ मौजूद थे, आपने देखा है किस तरह से मंच तक मेरे को मालाओं से फूलों से नवाजा गया है। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर हजारों की तादाद के अंदर न केवल भूतपुर के बल्कि आसपास के गाँव की शहरों की सरदारी आई हुई है और सबने आश्वस्त किया है कि इस इलेक्शन के अंदर हम आपको पूरे तौर के ऊपर सहयोग और समर्थन करेंगे, आपका इलेक्शन हम संवारेंगे और जिता करके हम आपको 25 तारीख को भेजेंगे। 400 का नारा कितना? देखो 400 का नारा हमारी पार्टी की तरफ से है, लेकिन जनता के हाथ के अंदर ये फैसला है कि वो 400 करेगी या कितना करेगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस सीट के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ, जिस तरह का सहयोग मैं जनता की तरफ से देख रहा हूँ, हम तो पहले की निस्बत ज्यादा बहुमत से जीत करके जाएंगे। थैंक यू। अभी तो कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं होता, क्या कहेंगे भविष्य कांग्रेस का? देखो भविष्य तो राजनीतिक तौर पे किसी का ओझल नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन थोड़े संकट में है कांग्रेस इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि प्रत्याशी चयन करने के अंदर इनको थोड़ी सी दिक्कत ही आ रही होगी, तब तक कर देने चाहिए। अब उस रैनी प्रॉपर्टी और मंगलसूत्र पर भी निगाह कांग्रेस? नहीं, ऐसा है कांग्रेस की निगाह इस तरह से आप भी गलत तरह से कांग्रेस के मेरे से बयान करवाना चाहती हूँ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा है गूगल। क्षेत्रीय प्रत्याशी कुमारी सैलजा रोड शो के दौरान भारी काफिले के दौरान सैकड़ों वाहनों की भारी भीड़ में कुमारी सैलजा ने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कुमारी सैलजा शहर जाने में भी सैकड़ों वाहनों के साथ रोड शो निकाला। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि आज पूरे देश में शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह खत्म है, बेरोजगारी पूरी तरह छाई हुई है, युवा रोजगार की तलाश में है, वहीं केंद्र सरकार ने लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, अगर देश में कांग्रेस पार्टी आती है तो सभी बदलाव यहां पर किए जाएंगे। तो वहीं इंडिया ही गठबंधन आ गया तो महिलाओं का मंगलसूत्र खतरे में। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। हल्के हम कल कर चुके हैं, आज हम 4 हल्के फतेहबाद के 3 और 1 नरवाना अपनी हाजिरी लगाएंगे और अपने वर्कर से लोगों से अपील करते हुए चलेंगे कि ये विचारधारा की लड़ाई में हमारा साथ दें। जो जन विरोधी एनडीए की सरकार है इसको उखाड़ दें। तो वहीं अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि करनाल की जनता बीजेपी और कांग्रेस को नकार देगी। जनता भी वादा निभाएगी, करनाल की जनता इस चुनाव में हर हालत में भाजपा को और कांग्रेस को सत्ता से दूर कर देगी। इस चुनाव में उनको किसी भी कीमत पे अपना वोट नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया। चौधरी देवीलाल के साथ जब तक थे, चौटाला साहब के साथ जब तक थे, तब तक उनको बहुत सम्मान मिला। हमने मेंबर पार्लियामेंट बनाया, उनको मिनिस्टर बनाया। अगर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों में आज भी विश्वास रखते हैं तो उनको कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के सभी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।
बीजेपी राज में देश और प्रदेश में महंगाई, अपराध, नशा और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत नौकरियां दी जा रही है। नौजवान 17 साल की उम्र में जवान हुआ, 21 में रिटायर हो रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर और भी अपनी बात रखी और बीजेपी को घेरा। सरकार के पूर्व मंत्री बलबीर सिंह जी सैनी, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस प्रेसवार्ता में हमारे साथ हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी और राज्यसभा में हमारे मित्र सुशील गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी और हमारे जिले के प्रधान, आज इस प्रेस वार्ता में हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। लोकसभा के भी हमारे प्रधान जी हैं। साथियों, देश एक भयंकर तानाशाही के दौर से गुजर रहा है और आपके ही हरियाणा से यहां का एक लाल निकला, जिसने आईआईटी की पढ़ाई की, आईआरएस की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया। दिल्ली की जनता ने उसको एक बार नहीं। तो वही 6 फेज के नामांकन की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। बता दें 25 मई को 6 फेज के चुनाव होने, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रांत सिंह के अधिसूचना जारी करने के साथ ही आम चुनाव के लिए नामांकन का भी कार्य शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार हरियाणा प्रदेश की 10 फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है। इसके तहत प्रत्याशी निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी को 29 अप्रैल से 6 मई तक अवकाश के दिन को छोड़कर कमरा नंबर 108 प्रथम तल, उपायुक्त, न्यायालय कक्ष, लघु सचिवालय सेक्टर 12 फरीदाबाद में दिए जा सकते हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि नामांकन के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने कोई नामांकन दाखिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र का प्रारूप प्राप्त किया है। नामांकन की प्रक्रिया आज 29 अप्रैल से शुरू हो गई है फरीदाबाद में। इसमें कोई भी कैंडिडेट जो अपना नॉमिनेशन करने आ रहा है वो 11 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं और ये प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। 6 मई को 3 बजे आखिरी एंट्री होगी, 3 बजे के बाद में कोई एंट्री किसी की नहीं होगी। कौन कौन उम्मीदवार के साथ में लोग आ सकते हैं, कितने की एंट्री होगी अंदर? टोटल 5 लोग आ सकते हैं इंक्लूडिंग कैंडिडेट, तो 5 लोग से ज़्यादा की एंट्री अलाउड नहीं है। और साथ ही 100 मीटर की हमने बैरिकेडिंग भी बनाई है, बैरिकेडिंग कर रखी है। तो वहीं विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि जज्जर पुलिस के एक होमगार्ड को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी होमगार्ड का नाम सत्येंद्र बताया जा रहा है, जो झज्जर जिले के छुचकवास पुलिस चौकी में इन दिनों कार्यरत है। बता दें कि विजिलेंस विभाग की टीम ने होमगार्ड सत्येंद्र को गांव भिंडावास से गिरफ्तार किया। आरोपी होमगार्ड के कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है। कल लारा सिंह है जो हाल के सरपंच है गांव भिंडावास से, तो इन्होंने हमें लिखित सूचना दी है कि उनसे स्तंद्र होमगार्ड है जिसकी की ड्यूटी छुचकवास चौकी में है, वो फरवरी में उसको सरपंच को डराया गया कि आपके फोन से किसी सुनीता नाम के महिला के पास असली मैसेज हो रखे हैं। तो इस डर में आकर सरपंच ने और अपनी बदनामी के भय से स्तंद्र द्वारा 1.5 लाख रुपये मांगे गए और 1.5 लाख रुपये मांगने के बाद 1.5 लाख रिश्वत राशि। तो वही लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी के कहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बैनर और पोस्टर लगाए हैं। आने वाले समय में तापमान और भी बढ़ने के साथ ही लू चलने का अंदेशा बना हुआ है, जिसके चलते लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सड़कों पर अभी से ही लोग सर और मुंह ढककर या फिर छाता लेकर चलते दिखाई दे रहे हैं। सिविल अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन और हीट स्ट्रोक के नोडल अधिकारी डॉक्टर एके यादव ने डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कई टिप्स दिए और बताया कि जनता को पोस्टर और बैनर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।
मैं डॉक्टर ए के यादव, डिप्टी सिविल सर्जन फरीदाबाद और हीट वेव के मैं नोडल भी हूँ। तो जैसा कि आपने कहा सही कि हमने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जागरूकता के लिए लगाए हैं, और इतना ही नहीं हमने हर सब सेंटर तक अपने ORS सेंटर भी खोले हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सेंटर वाटर थेरेपी के लिए। तो इसका सारा उद्देश्य यही है कि जो भी आप हीट वेव का माहौल चल रहा है, जैसे लू लगना कहते हैं, तो आज जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा हीट वेव की संभावना भी बढ़ेगी, तो लोग सावधान ही रहें। इस मकसद हमारा यही है, लोग सावधान भी रहें और अपना जो इससे संबंधित जो भी उपाय हैं वो हाँ अपना अपनाएं और उनको हम जागरूक करें कि कैसे अपना वो इससे बचाव कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये जगह जगह पोस्टर और बैनर लगवाए। हरियाणा के यमुनानगर में स्पेशल सेल की टीम ने यमुनानगर के थाना छप्पर सरस्वती रोड स्थित गोदाम के पास से एक युवक को भारी मात्रा में अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश उसे किया गया है, जहां से तस्कर को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं DSP हेडक्वार्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि आरोपी को अफीम सप्लाई करने के लिए 25,000 की कमीशन मिलती थी। ये कल हमारे स्पेशल स्टाफ को मुखबरी मिली थी कि एक हमेंद्र नाम का आदमी है जो कि अफीम लेके और अपना छप्पर एरिया में आया हुआ है, अगर मोरी रेड की जाए तो उसको हम पकड़ सकते हैं। तो मैंने टीम तैयार करवा के तो वहाँ पे उसको भेजा, तो जो हमने हमेंद्र को वहाँ पे गिरफ्तार किया, जिससे हमें 2 किलो अफीम बरामद हुई। तो जो पूछताछ में हमें पता लगा कि ये बीच में एक कैरियर है, जो मेन था वो महेंद्र मेहरबान नाम का व्यक्ति है जो कि बरेली का रहने वाला है, और ये यहाँ पे विपन्न लड़का है जो गंदापरे का है, छप्पर थाड़ा में पड़ता है गंदापरा, तो उसको देने के लिए। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई 12वीं का परीक्षा परिणाम इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bsch.org.in पर देखा जा सकता है। 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.31% और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 65.32% रहा। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर हरियाणा अपर स्कूल और रीएपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है, तीनों फैकल्टीज का, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्र जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में अवैध शराब सप्लाई करने वालों के खिलाफ प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान 75 लाख रुपए मूल्य से अधिक की 10,500 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। इसके साथ ही अलग अलग टीम बनाकर अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी स्थान पर अवैध रूप से शराब की सप्लाई न हो, इसके लिए आबकारी विभाग में 6 स्थानों पर नाके लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो जैसा कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद में स्पेशली एक आशंका रहती है कि चाहे शराब हो, चाहे फ्रीबीज हो, चाहे बाकी कैश हो, उसको यूज़ करके तो वोटरों को प्रभावित करा जा सकता है। तो वैसे नॉर्मल रूटीन में भी हमारी कार्रवाई चलती है, परंतु जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है 16 मार्च से, तब से हमने ये कार्रवाई थोड़ी और तेज़ कर दी है। तो इलेक्शन कमीशन की और CEO हरियाणा सर की भी डायरेक्शंस हैं। तो फरीदाबाद में करीब 21,000 लीटर हमने शराब सीज करी अभी तक, तो आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेंगी। एक जगह से पकड़ी है, अलग अलग जगह तो अलग अलग जगह से हैं। तो एक जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें करीब 10,500 लीटर हमने परसों रात में पकड़ी। वहीं फरीदाबाद के नेशनल हाईवे बाटा चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत कमर्शियल वाहन चालकों को लाइन चेंज के प्रति जागरूक किया गया। वहीं कई वाहनों का चालान भी किया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस तरह के विशेष अभियान आला अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जाते हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि सड़क पर चलते हुए यातायात के नियमों का पालन जरूर करें।
अफसर बाला के आदेश से ही करते हैं। जो आज एक विशेष अभियान था लाइन चेंज का, लाइन चेंज का चलान करने से ट्रैफिक दुर्घटनाएं कम होती हैं और ड्राइवर अपने लाइन में चलते हैं जो समय समय पर इनके चालान करे जाते हैं। कितनी गाड़ियों के चालान किए जाएंगे और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा ट्रैफिक? जागरूक तो ट्रैफिक पुलिस समय समय पर करती ही रहती है, जिस भी तरह के जो चालान करते हैं उसी का हम पहले जागरूक करते हैं, उसके बाद में अभियान छेड़ते हैं चालान करने का। गांव के तालाब में 22 वर्षीय युवक का शव मिलने का, आपको बता दें मिंडकोला गांव में पिछले 5 दिन से 22 साल के युवक लापता होने के बाद गांव के ही तालाब में मिला है। शव मिलने पर गुस्सा परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा पलवल से नूह मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हतिन विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रवीण डागर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। फरीदाबाद के थाना धौज इलाके में नेकपुर के जंगलों में एक नए नवेले दूल्हे का शव पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। इस संदिग्ध मौत के पीछे परिवार हत्या का शक जता रहा है। बता दें कि मृतक की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वो पेशे से डॉक्टर था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। थानेदार बोले कि ऐसा करो कि हमने की नंबर इसका ट्रेस्ट पे डाल दो कि कम से कम हमें मालूम पड़ जाए, पता चल जाए, पता चल जाएगा हमारा बंदा है कहाँ। लेकिन उन्होंने हमारा कोई भी सूचना, मतलब हमारी कोई उन्होंने सुना ही नहीं। कोई अगर अगर पुलिस आपकी यूपी पुलिस तभी फोन को ट्रैक कर लेती तो हमारा भाई बच जाता, भाई बच जाता। जैसे सबूत मिले हैं आप पहले बोले कट्टा था, उसमें बाल थे लगे हुए, किसी ने किडनैप करके लाया था यहाँ पर? अब भाई ये तो हमें पता नहीं। सर इसकी शादी 24 तारीख को हुई है। किसकी? विकास की। विकास की शादी 24 तारीख को बारात गई है शाम को 7-8 बजे करीब। जुलाना क्षेत्र के गांव मेहराड़ा में खेतों में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई है, जिस कारण खेत में खड़ा ट्रैक्टर और कई एकड़ के गेहूं के फाने राख हो गए। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही, जिसमें एक व्यक्ति जलते हुए ट्रैक्टर और खेत में लगी आग के बारे में दर्द बयां कर रहा है। तो वहीं बिहार के सिवान में हिना शहाब का राजपूत समाज और सिवान के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। बता दें कि हिना शहाब शाबुद्दीन की पत्नी हैं, जिन्हें लोगों ने माता रानी की चुनरी उड़ाई और स्वागत किया है। हिना शहाब ने बातचीत के दौरान कहा कि इस बार नया समीकरण बनेगा। इस बात को लेकर सोशल मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई और हर गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि हिना शहाब ने लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया और जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। बिल्कुल हाँ, मजबूत करना है। 399+1 मोदी जी के हाथ को मैडम मजबूत करेंगी। अब क्या चाहिए आपको? सिवान के विकास के लिए मैडम को जाना होगा, जहाँ भी कहेंगे पब्लिक वहाँ जाएंगी। मैडम ने कहा था सब रंग हमारे हैं और सिवान के विकास के लिए हमको अगर जहाँ पब्लिक बोलेंगी वहाँ जाएंगे। आप लोग की मन है कि बिल्कुल जाएंगी? आप लोग का मन कहाँ है? अरे भाई हम लोग का मन है कहाँ जाएंगे, मैडम मोदी जी के साथ जाएंगे, मोदी जी के साथ जाएंगे। ठीक फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।